नमस्कार दोस्तों, ये बहुत शॉर्ट वीडियो होने वाली है और ये हो सकता है अगर आपका एफर्ट हो, अगर आपका रिस्पांस ढंग का है, अगर आप इसको शेयर करें दूर तक और सवाल पूछें इस वीडियो को शेयर करके कि, और अगर आपको पता है तो कुछ जवाब दे दीजिए। दलित कौन है? दलित कौन है? जिस शब्द पे, जिस दलित शब्द पे बहुत बड़ी पॉलिटिक्स घूमती है, रिजर्वेशन के लिए, वोट बैंक के लिए, सीएम की कुर्सी के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए, पैसे के लिए, एजेंडे के लिए, देश तोड़ने के लिए, एन नंबर ऑफ इश्यूज और तरह तरह की ऑर्गेनाइजेशंस, सरकारों को घेरने के लिए, ब्राह्मण और दलित की लड़ाई लगवाने के लिए, पर किसी ने एक बार पूछा नहीं कि जिस दलित को आप दलित बना बना के, उसको भुना भुना के पावर हासिल करना चाहते हैं, उनका नेता बनना चाहते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, अगर वो दलित शब्द आया कहां से, मुझे कोई बता दे, रेफरेंस दे दे। क्योंकि वर्ण सिस्टम का अगर आप रेफरेंस लेते हैं तो वहां सिर्फ चार ही हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। सबके अपने अपने रोल हैं, आप पढ़ लीजिए वो क्यों हैं, वो कैसे हैं। क्या जन्म से आधारित था कुछ? नहीं, सब कुछ कर्म से आधारित था। कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय बन सकता था, क्षत्रिय शूद्र, शूद्र वैश्य, कुछ भी, कोई प्रोफेशन के हिसाब से सब कुछ था, सब कुछ कर्म के ऊपर था। आपके कर्म क्या है, आपकी स्किल सेट क्या है, ये दलित शब्द आया कहां से? भारत बुला रहा है, रक्त रक्त को आवाज दे रहा है, उठो, हमारे पास अब गंवाने के लिए समय नहीं है। अब उन दलित लोगों से और उन दलित लीडर से मेरा सवाल है, जिन लोगों ने दलितों का मसीहा बनने के लिए पॉलिटिक्स में आए और उनको ये एहसास दिलाया कि हम तुम्हें ऊपर उठाएंगे। पहले तो वो दो तरह के लोग थे। पहले वो जो कहते थे कि हम तुम्हें सम्मान दिलाएंगे, हम तुम्हें पैसा, हक, सब कुछ दिलाएंगे, और ये रहा कुछ हिस्सा जो दिलाने वाले हैं उसका कुछ हिस्सा, ये रहा एग्जाम्पल, ये लो और कन्वर्ट हो जाओ। तो पहले तो वो या तो क्रिश्चियन मिशनरीज या इस्लामिक मिशनरीज कन्वर्ट करने के लिए दलितों का मसीहा बनते हैं कुछ लोग। तो दूसरे वो लोग जो कहते हैं हम सब कुछ दिलाएंगे, रिजर्वेशन की मांग करेंगे, हम तुम्हारे नेता हैं क्योंकि हम भी शोषित हुए हैं, और ब्राह्मणों को गाली देते हैं। मैं खुद भी अगर बाय बर्थ अगर कुछ मिला हो तो उस टैग को मैं बोल सकता हूँ कि मैं अभी ब्राह्मण हूँ, भूमिहार ब्राह्मण हूँ। मुझे तो उसके कुछ प्लस पॉइंट्स नहीं दिख रहे हैं। क्या मुझे टैक्स में बेनिफिट मिल रहा है? पता नहीं। क्या मेरे लिए स्पेशल टैक्सी आती है, फ्लाइट्स हैं, सरकार में पद है, क्या है? मुझे लगता है कि आज का सबसे दबा हुआ वर्ग तो ब्राह्मणों वाला ही है, क्योंकि रिजर्वेशन के नाम पे तो जो लोग बिल्कुल ना के बराबर काबिल हैं वो बड़े बड़े पद पे बैठे हुए हैं। मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि रिजर्वेशन की तलवार तो आपके पास है और हम बन के रहेंगे विक्टिम। अगर उस तरीके से देखा जाए तो मैं कभी भी आर्मी में जा सकता हूँ और क्षत्रिय बन सकता हूँ, मैं कभी बिजनेस कर सकता हूँ और वैश्य बन सकता हूँ, मेरी मर्जी। उन दोनों से मेरा सवाल है कि आप जो दलित को दलित बोल के, उसको नीचा दिखा के, ऊपर दिखाने की लालच में जो उसको कन्वर्ट करते हैं, एक तो वो आप हैं, क्या वाकई में तुम लोगों ने कन्वर्ट करके उनका कुछ भला किया? नहीं। दूसरा, अभी जनता से, उस दलित जनता से जो सो कॉल्ड खुद को दलित मानती है, उससे भी मेरा सवाल है, आप खुद से पूछिएगा। दूसरे वो लोग जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, पावर गेन करना चाहते हैं, रिजर्वेशन की मांग करना चाहते हैं, दलितों को हर हक दिलाना चाहते हैं और नेता बन जाते हैं जैसे रावण जैसे लोग, उसकी जवाबदेही ये बनती है कि पूरे जो भारत के दलित समाज, यूपी के जिस समाज का वो, जिस वर्ग का वो नेता बनता है, उसने उस वर्ग के लोगों को किस मात्रा में अपलिफ्ट किया, उनकी जिंदगियां बदली हों तो बताए। कितने हजारों लाखों लोग जितने तुम्हारे पीछे घूमते हैं, क्या उन्हीं की जिंदगी सुधर चुकी है, अपलिफ्ट हो चुके हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, खुश हैं, समृद्ध हैं? मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं, आपके पास कोई डाटा नहीं होगा। और अगर डाटा है उसको प्रूफ करिए, बताइए कि मैं जिन दलितों का नेता हूँ इतनी बड़ी तादाद में, जब से पॉलिटिक्स में आया हूँ, इतने लोगों को अपलिफ्ट कर दिया, इतने लोगों की जिंदगी सुधार दिए, अब ये लोग धन के वर्ग में गिने जाते हैं, अब ये वो शोषित वर्ग नहीं है, पीड़ित वर्ग नहीं है। समस्याएं मैंने बहुत सुलझा दी, अगर ऐसा है तो बताइए, तब तो आपके होने का फायदा है, क्योंकि असली लीडर होने का मतलब भी वही होता है। अब आते हैं जनता पे, जनता मुझे ये बताए
कि क्या आप लोगों को ये दलित का टैग, जो कि बिल्कुल मनगढ़ंत है, क्या आप लोगों को वो टैग सिर्फ इसलिए चाहिए कि आप उस टैग को लेके विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं? क्या आपको टैग सिर्फ इसलिए चाहिए कि आपको हमेशा लोग बोला करें, हमेशा लोग आपको भुनाया करें, फिर आप रिजर्वेशन लें, फिर आप काम भर पढ़ाई करके काम भर फालतू के नंबर लेके बड़े पद पे बैठ जाएं और आप यूजलेस हों, क्योंकि बहुत ज़्यादा परसेंटेज ला के नंबर ला के एक जनरल कैटेगरी का व्यक्ति तो नीचे बैठा हुआ है, वो आपसे ज़्यादा काबिल व्यक्ति, और आप थोड़े कड़े शब्द हैं सॉरी, लेकिन सामना करिए इस बात का, आपकी काबिलियत क्या है और आप किस पद पर बैठे हैं, अगर आप रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा के कहीं बहुत भी जाते हैं तो। सवाल नंबर दो, क्या आपको किसी तरीके की बेनिफिट स्कीम पॉलिसी किसी भी माध्यम से आपको अपलिफ्ट किया जाए? आपके पास एक गाड़ी है, ढंग की नौकरी है, क्या आप उस वक्त भी खुद को दलित दलित बोल के, खुद को गिरा गिरा के, खुद को शोषित बता बता के हर उस चीज़ का फ़ायदा और विक्टिम कार्ड खेलना चाहेंगे? क्या आप एक ढंग की ज़िंदगी जीते हुए भी खुद को दलित कहलाना चाहेंगे, जो टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो बनाया गया टर्म है? क्या कल को आप प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट बन जाते हैं तब भी ये कहेंगे कि मैं दलित हूँ? दलित शब्द का मतलब क्या होता है पहले मुझे आप सब जो जो देख रहा है अपने हिसाब से अपनी टर्मिनोलॉजी में बता दे कि दलित मतलब क्या होता है। लॉजिकल टर्म्स में दलित का मतलब शायद ये हो सकता है कि जो पिछड़ा हुआ है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो प्रताड़ित है, जिसके हाथ बुरा भला हुआ, अगर उसको दलित कहना तो कह, उसको इस टर्म मत जोड़ो कि इस कल्चर में, सनातन कल्चर में दलितों के लिए एक स्थान था जो कि सबसे नीचा स्थान था, ये मत करो, क्योंकि ये सरासर गलत है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। खैर, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा, आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, मैंने टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। वीडियो को शेयर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, किसी भी तरह का कॉन्ट्रीब्यूशन करना हो तो सारे तरीके दिए हुए हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन जरूर करिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है देश के प्रति कि जो लोग आपका माध्यम बन रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, आप उसका सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।